सुप्रिया ताई को जो है कार्याध्यक्ष बनाया गया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से उम्र में 10 साल छोटी है। राजनीति के लिहाज से अजीत पवार सुप्रिया सुले से 16 साल ज्यादा अनुभवी है। फिर भी जब पार्टी को चलाने की बारी आई तो शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार की उम्र और राजनीतिक अनुभवों को दरकिनार कर बेटी सुप्रिया सुले पर अपनी मुहर लगा दी। तो आखिर भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ ऐसा क्या किया था कि पार्टी में जब उनकी हैसियत नंबर 2 की होनी चाहिए थी तो उन्हें नंबर 4 पर भेज दिया गया? और आखिर सुप्रिया सुले में ऐसा कौन सा राजनीतिक कौशल था कि उन्हें NCP में नंबर 2 बना दिया गया? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अध्यक्ष। 2 मई 2023 को जब शरद पवार ने NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब भी इस बात की चर्चा थी कि अब NCP का अध्यक्ष कौन होगा, और चंद घंटों के अंदर ही इसका जवाब खुद शरद पवार ने ही दे दिया। उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और तय हो गया कि NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शरद पवार ही होंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने बाद नंबर 2 की कुर्सी अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के ही एक और कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को सौंप दी है। अब सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल NCP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और NCP के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है और 2 लोगों को उसकी कमान सौंप दी गई है। लेकिन इससे हुआ ये है कि शरद पवार के कभी राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाने वाले भतीजे अजीत पवार का NCP में कद छोटा हो गया है। कभी अजीत पवार को NCP में शरद पवार के बाद नंबर 2 माना जाता था। गठबंधन की सरकारों में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाता रहा है। अभी वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन शरद पवार के एक फैसले ने अजीत पवार को नंबर 4 पर धकेल दिया है। इतना ही नहीं, अजीत पवार के विरोधी गुट के 2 नेताओं जितेंद्र आह्वाड और सुनील तटकरे को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, और इन फैसलों ने अजीत पवार की सियासी ताकत को सुप्रिया सुले के सामने बौना कर दिया है। क्योंकि अभी तक शरद पवार ने सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र राज्य की राजनीति से दूर रखा था। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार भतीजे अजीत पवार और जयंत पाटिल की सलाह पर ही सारे राजनीतिक फैसले किया करते थे, लेकिन अब ये फैसले सुप्रिया सुले खुद करेंगी। क्योंकि सुप्रिया न सिर्फ NCP की कार्यकारी अध्यक्ष बनी हैं, बल्कि उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी होने के नाते सुप्रिया टिकट बंटवारे से लेकर संगठन की सर्जरी तक का फैसला खुद कर सकेंगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र NCP के सभी नेता सुप्रिया को रिपोर्ट करेंगे। अजीत पवार भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन विधायकों की राय लेकर अजीत पवार को भी पद से हटाने का अधिकार अब सुप्रिया के पास है। NCP की राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में सुप्रिया अगर यहां और अधिक मजबूत होती हैं तो NCP के भीतर अजीत पवार का दबदबा खत्म हो जाएगा। बाकी प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने अजीत पवार के पर ही कतरे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब जब प्रफुल्ल पटेल राजनीतिक रूप से अजीत पवार से भी मजबूत हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच वो सहजता नहीं रह जाएगी। बाकी प्रफुल्ल पटेल की सेहत उन्हें राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होने से भी रोकती रहती है, तो इसका भी सीधा फायदा सुप्रिया सुले को ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात कि 2 मई के शरद पवार के इस्तीफे का 10 जून को NCP में हुए बड़े बदलावों से क्या ताल्लुक है, तो वो भी अब शायद सबको समझ में आ ही गया होगा। अगर बिना इस्तीफा दिए शरद पवार पार्टी में बेटी के कद को बढ़ाते तो अजीत पवार बागी हो जाते। ऐसे में शरद पवार ने इस्तीफे का दांव खेला, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इमोशनल किया, और फिर वो किया जो वो करना चाह रहे थे। अब सुप्रिया सुले के बढ़े कद को लेकर अजीत पवार बगावत करते भी हैं तो वो अजीत पवार के ही खिलाफ जाएगा, क्योंकि पहले भी बगावत कर देख चुके हैं कि उन्हें हासिल क्या होता है। और आज की तारीख में न तो BJP और न ही शिवसेना को अजीत पवार और उनके विधायकों की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता में तो BJP है ही। ऐसे में शरद पवार ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बेटी सुप्रिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। बाकी अजीत पवार पर शरद पवार भरोसा क्यों नहीं जता पाए और क्यों उन्होंने अजीत पवार पर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को तरजीह दी, तो इसकी कहानी अजीत पवार की बगावत में छिपी है, जिस पर मैंने ही एक लंबा वीडियो बनाया है। उस कहानी का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।